ओटीटी के चाहने वालों दिल थाम कर बैठो क्योंकि अब है सिंघम की बारी। नमस्कार दोस्तों, आरजीत के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं जहां पर मैं बात करने वाला हूं रुद्रा वेब सीरीज के ट्रेलर की जो रिलीज हो चुका है डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर। क्या कुछ खास है आज की वीडियो में जिक्र करेंगे इसी रिव्यू का, इसी ट्रेलर के रिव्यू का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हमेशा की तरह आपको बता दूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले मेरे तमाम वीडियो जो हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो बढ़ाते हैं हमारे आज के वीडियो को जहां पर एक ऐसे कलाकार की हम बात करें जिनकी अभिनय से ज्यादा उनकी आंखें बोलती हैं और उनके फैंस बहुत ज्यादा दीवाने हैं उनकी अदाओं के, उनकी एक्टिंग के, उनकी आंखों के। और ये कैरेक्टर एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने कि हाकी वर्दी के रोल को, कैरेक्टर को इतनी ज़्यादा बुलंदियों पर पहुंचा दिया है कि इंस्पेक्टर का रोल अजय देवगन के बिना कल्पना करना नामुमकिन है। तो एक बार फिर से कॉप के रोल को करने वाले हैं रुद्रा वेब सीरीज में अजय देवगन और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उनकी धांसू एंट्री होने वाली इसी वेब सीरीज के जरिए। ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर की बात करें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रेलर मुझे लगा है। और स्टार कास्ट की बात अगर की जाए तो बेहतरीन अदाकारी के साथ यहां पर बहुत सारे कलाकार मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे अजय देवगन की जो कि खाकी वर्दी में पुलिस ऑफिसर के रोल्स को निभाने में बहुत ज़्यादा मादा रखते हैं, बहुत ज़्यादा महारत उन्हें हासिल है और कई फिल्मों में खाकी वर्दी के कैरेक्टर को वो निभा चुके हैं और बुलंदियों पर पहुंचा चुके हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से अपने आप को दोहराने वाले हैं लेकिन इस बार पूरे ट्रेलर में वर्दी में दिखाई नहीं दिए हैं। और ट्रेलर जो है बड़े ही अलग तरीके का मुझे लगा, एक म्यूजिकल बैकग्राउंड के साथ, एक गाने के साथ ट्रेलर चलता रहता है जहां पर सीन्स को इस तरीके से एडिट किया गया है। बड़े ही बेहतरीन तरीके से इस ट्रेलर को पेश किया गया है जहां पर कहीं से भी बोरियत महसूस नहीं होती और अलग अलग कैरेक्टर्स अपने अपने किरदारों के साथ इसमें आते रहते हैं और अलग अलग डायलॉग्स के जरिए आप में क्यूरियोसिटी को जगाते हैं। जी हाँ, राशि खन्ना यहाँ पर मौजूद हैं और ईशा देओल यहाँ पर उनकी पत्नी के रोल में मौजूद हैं जो कि बहुत सालों के बाद किसी वेब सीरीज में कहें या कि फिर बॉलीवुड में दाखिल हुई हैं। बहुत टाइम के बाद उन्हें देखने का मौका हमें हमें मिलने वाला है। और पति पत्नी के कैरेक्टर में ये दोनों मौजूद हैं, अजय देवगन और ईशा देओल, जहाँ पर उनके रिश्तों में कुछ खटास है उस पर चर्चा की जाएगी इस फिल्म में और उस पर रोशनी डाली जाएगी। राशि खन्ना अपने अलग तरीके के किरदार के साथ मौजूद हैं। एक और इंटेंस एक्टर जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, आशीष विद्यार्थी, वो भी यहाँ पर हम लोगों को दिखने वाले हैं। अतुल कुलकर्णी यहाँ पर मौजूद हैं। तो स्टारकास्ट कहने के तौर पर बहुत ज़्यादा उम्दा है यहाँ पर अभिनय के मामले में। और ट्रेलर जैसा कि मैंने बताया म्यूजिकल बैकग्राउंड के साथ आगे बढ़ता है, गाने के साथ आगे बढ़ता है और जिस तरीके से ट्रेलर को गूंथा गया है वो कहीं पर भी बोरियत महसूस नहीं करने देता आपको और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग ट्रेलर है। डार्कनेस है, कॉम्प्लेक्स है और किस तरीके से एक क्राइम थ्रिलर को गूंथा जाना चाहिए वो यहाँ पर पूरी तरह से दिखाए जाने की कोशिश की है। ट्रेलर बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप में पूरी तरह से क्यूरियोसिटी जगाता है और आप ये जानने के लिए बेताब हो जाते हैं कि कब, आखिर कब हम देख सकते हैं रुद्रा की इस वेब सीरीज को डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर। लेकिन ट्रेलर को खत्म होते होते आपको ये मायूसी हाथ में लगेगी क्योंकि ट्रेलर में कहीं पर भी ये रिवील नहीं किया गया है कि रुद्रा जो है वो कब रिलीज होगी। तो ये एक सस्पेंस आमतौर पे होता नहीं, ट्रेलर के साथ में उसकी रिलीजिंग डेट भी अनाउंस कर दी जाती है। तो यहाँ पर इस बात को अभी तक सस्पेंस में रखा गया है लेकिन एक बेहतरीन अदाकारी के साथ एक बेहतरीन वेब सीरीज हमें देखने को मिल सकती है। ट्रेलर तो बड़ा इंटरेस्टिंग बना है, अब सीरीज कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये हमें वक्त बताएगा जब ये वेब सीरीज रिलीज होगी। अजय देवगन के चाहने वालों के लिए एक तरीके की ट्रीट है और अजय देवगन खुद कहते हैं कि डिजिटल मीडिया जो है इतना ज़्यादा उन्नत हो चुका है, इतना ज़्यादा प्रगतिशील हो चुका है तो वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। तो धांसू एंट्री मार डाली है और ओटीटी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंटेंट के लेवल पर बॉलीवुड को काफ़ी पीछे छोड़ चुका है। बहुत सी नई नई कंटेंट्स यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिले हैं और अलग अलग तरह के कंटेंट्स यहाँ पर सभी तरह के क्राइम थ्रिलर की बात हो या कि सोशल चीज़ की बात हो, बहुत अलग अलग कंटेंट्स को लेकर
बॉलीवुड को पीछे छोड़ते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन्स आ चुके हैं और अजय देवगन यहाँ पर एंट्री लेने वाले हैं इस सीरीज़ के ज़रिए। इससे पहले ऋतिक रोशन भी अपने आप को अनाउंस कर चुके हैं, अक्षय कुमार भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्द आने वाले हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बॉलीवुड को आना ही पड़ेगा। लेकिन अब बात यहाँ पर उठती है कि अगर आप क्रिएटिविटी ओरिजिनल लेकर आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, वरना वही घिसे पिटे फार्मूले को अगर आप ओटीटी पर भी लाने की कोशिश करेंगे तो इस तरह की जो घिसे पिटे फार्मूलों पे जो सीरीज़ आई हैं वो ज़्यादा चली नहीं है, लोगों ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। इस सीरीज़ की बात करें तो ब्रिटिश वेब सीरीज़ लूथर पर बेस्ड है, उसका रीमेक बनाई गई है हिंदी में और बहुत ज्यादा चर्चित रही है। साइको थ्रिलर के रूप में लूथर, अब रुद्रा क्या करिश्मा दिखाएगी ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन अजय देवगन के चाहने वालों को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेलर रिलीज हो चुका है। तो बहुत चंद दिनों में हम लोगों को पता चल जाएगा कि सीरीज कब रिलीज होने वाली है। हालांकि ट्रेलर में इस बात को पूरी तरह से छुपा दिया गया है और रिलीज डेट नहीं बताई गई, आमतौर पर ऐसा होता नहीं जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर इंटेंस एक्टर के रूप में कैरेक्टर को किस तरीके से डेवलप करते हैं अजय देवगन और किस तरीके से हम लोगों के दिलों को जीतने में एक बार फिर से कामयाब हो पाते हैं कि नहीं, वेब सीरीज के आने पर पता चलेगा। लेकिन ट्रेलर बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आपने अभी तक तो ट्रेलर नहीं देखा तो सबसे पहले पहली फुर्सत में ट्रेलर देखिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा। लूथर मैंने नहीं देखी, लेकिन अगर आप लोगों में से किसी ने देखी हो तो वो भी बता सकते हैं कि क्या उसका रीमेक बनाना जरूरी था या कि फिर ओरिजिनल फिल्म या सीरीज ही बनाई जाती। एनीवेज, अजय देवगन जैसे सितारों का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और उनके चाहने वालों के लिए एक पूरी तरीके से ट्रीट है अजय देवगन की तरफ से। तो इंतजार कीजिएगा रुद्रा के रिलीज डेट का, जो कि मैं आपको अपने चैनल पर फिर से आकर बता दूंगा। बहुत सारी सीरीज, बहुत सारी फिल्म सभी आने को तैयार हैं और वक्त वक्त पर उनका रिव्यू भी मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहूंगा। वेल, इस ट्रेलर के बाद मैं आपको एक गाना सुनाने वाला हूं जो कि मेरे बड़े ही फेवरेट कुमार सानू साहब का है, आशिकी फिल्म का, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो इंतजार कीजिएगा उसी गाने का, रिवील नहीं कर रहा हूं मैं। और मेरे ख्याल से कुमार सानू साहब के सानुदा के चाहने वालों को पता चल गया होगा मैं किस गाने का जिक्र कर रहा हूं। तो बहुत जल्द उस गाने को लेकर हाजिर हूंगा अपने चैनल पर। अपने ख्यालों का ख्याल रखिएगा और ख्यालों में जीत को हमेशा की तरह शामिल करते रहिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।